पर मुख्यमंत्री आम जनता को मुफ्त इलाज कराने की दुहाई देकर वोट मांग रही हैं, वो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना बंद हो चुकी है। जी हाँ, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी विफलता साबित हुई है। बीमा कंपनी द्वारा देर रात शुक्रवार को नोटिस जारी कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हुई बंद, अस्पतालों ने मुफ्त इलाज करने से किया मना, बीमा कंपनी ने क्लेम ना देने का दिया नोटिस, राज्य की सफल योजना हुई बुरी तरह असफल, गहलोत की निशुल्क दवा योजना की नहीं कर पाई बराबरी, सालों से चल रही है गहलोत की निशुल्क दवा योजना। बीमा कंपनी का आरोप है कि सरकार निजी अस्पतालों के साथ मिलकर बीमा योजना के नाम पर लगातार धांधली कर रही है। इसकी कई बार शिकायत करने की कोशिश भी की गई, लेकिन प्रशासन और अस्पतालों की मिलीभगत के कारण शिकायत को ही खारिज कर दिया गया। कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने काम करना बंद कर दिया है, परंतु उसकी कुछ शिकायतें थी, इसके आधार पर उसका 106 करोड़ रूपए हमने रोका था, इसकी जाँच चल रही है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत को इलाज करना बंद नहीं करें, इलाज बदस्तूर जारी रखें, इसकी व्यवस्था निश्चित रूप से होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री राज्य की विफल हुई भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ी धांधली का आरोप लगाया है। गहलोत ने राज्य पर निशाना साधते हुए कहा कि इस योजना में कई कमियां थी, जिसको लेकर कई बार हमने सवाल भी खड़े किए थे, जल्द से जल्द इसकी जाँच होनी चाहिए। भामाशाह कार्ड पे जो है करोड़ों रूपए खर्च कर दिए, वो जाँच का विषय है, वो जांच का विषय वो भी है अपना आपके अंदर। क्यों बनाया कार्ड? आधार कार्ड था, क्यों बनाया गया? तो ये शुरू से ही करप्शन की भेंट चढ़ चुकी है, मैं तो पहले से कह ही रहा था। तो अल्टीमेटली इसमें बहुत भयंकर करप्शन होता है और करप्शन को रोक नहीं पाता है, तो बहुत अनफॉर्चुनेट इनके फैसले। इस योजना का कुल बजट 1200 करोड़ है। कंपनी ने जो अस्पतालों को मेल किया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 13 सितंबर से क्लेम नहीं किए जाएंगे, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या जिन कंपनियों का क्लेम सरकार ने अप्रूव्ड कर दिया उन्हें भी क्लेम नहीं मिलेगा?